मेरी चेतावनी के पश्चात भी तूने मेरे कार्य में हस्तक्षेप करना नहीं छोड़ा तो मुझे तुम्हें दंडित करना पड़ेगा विश्वनाथ। हरिओम। ये क्या रहे हो? मारो इसे। मैंने आज तक दादा को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा है। कहिए कुछ उल्टा सीधा ना बोलते दादा को और दादा अपना सारा गुस्सा इन्हीं पे ना निकाल दे। मुझे ही जाकर इन्हें रोकना चाहिए वरना ये दादा को गुस्सा ही दिलाएंगे। इतने दिनों के बाद मेरे जीवन में सुख आया है। तुम सब मेरी बगिया के फूल हो और फूल हमेशा खिले हुए अच्छे लगते हैं, मुरझाए हुए नहीं। बताओ क्या बात है, क्यों उदास हो तुम लोग? साई, केशव चला गया, हम सबको छोड़कर लंदन चला गया और जाने से पहले हमसे एक बार भी नहीं मिला वो। और हमें ये भी नहीं पता कि केशव कब लौटेगा। जब लौटने का समय होगा तो लौट भी आएगा। तुम्हारे बारे में चाहे केशव कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, लेकिन हम सब जानते हैं कि तुम केशव से बहुत प्यार करते हो। तो साई, तुमने केशव को लंदन क्यों जाने दिया? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम लोग मानते हो कि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है? हाँ साई। तो ये समझ लो कि केशव का यहाँ से जाना भी ये भी उस भगवान की मर्जी थी। वो ईश्वर ही चाहता था कि एक निश्चित अवधि के बाद केशव यहाँ से दूर चला जाए, पले बढ़े। और अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो उसके निर्णय से दुखी होना, परेशान होना, नाराज होना, इस सब से क्या फायदा? यही केशव की नियति थी। हो सकता है कल तुम लोग भी कहीं बाहर चले जाओ। नहीं साई, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी शिरडी में। हाँ साई, कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ साई। किसके भाग्य में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। हम इंसान तो केवल योजना बनाते हैं पर होता वही है जो ईश्वर चाहता है। हुई है सोई जो राम रच राखा, खो करी तर्क बढ़ावे साखा। तीन तोले सोने से तो कम है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नहीं से तो ये अच्छा है। मंगलसूत्र मिल गया ना? अरे अब तो बाबा को मारना बंद करो। जब हमने मांगा था तब तो नहीं दिया था ना मंगलसूत्र हमें, और ऊपर से कुलकर्णी सरकार को अपमानित भी किया, धक्का दिया ना उनको। सुन, जब तक तू ये मंगलसूत्र अपने हाथों से कुलकर्णी सरकार को नहीं देता ना, तब तक तेरे बाप की विदाई होती रहेगी। आप मेरे हाथ खोल दीजिए, मैं अपने हाथों से ये मंगलसूत्र सरकार को दूंगा। सुनो, हाथ खोल दो इसके। लाओ मुझे दो, मैं सरकार से माफी मांगकर उन्हें अपने हाथों से दूंगा। लाओ दो। अच्छा ये ले।
तुम लोग हंस क्या रहे हो? मारो इसे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ, मुझे मंगलसूत्र दे दो। हाँ हाँ अवश्य। मैंने मना थोड़ी ना किया है, लो ले लो। ये क्या किया तुमने? अगर अपने बाप को बचाना चाहता है तो जिस हाथ से कुलकर्णी सरकार को धक्का दिया था ना, उसी हाथ से इस सांप के बिल में हाथ डालो और मंगलसूत्र को निकालो। अगर तेरा बाप मर गया ना, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, तेरी होगी। भाग्य का सबसे अच्छा उदाहरण इस फूल के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। जब एक फूल खिलता है तो वो नहीं जानता कि उसकी नियति क्या है। कुछ फूल ऐसे सजावट के काम में आते हैं तो कुछ फूल मृत शरीरों पर चढ़ाए जाते हैं, कुछ भगवान के चरणों में अर्पित किए जाते हैं तो कुछ राहगीर के चरणों तले कुछ ले जाते हैं। लेकिन साई, अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, फिर भगवान सबसे अच्छा काम क्यों नहीं करवाते? बुरा काम करने से क्यों नहीं रोकते? ईश्वर कभी नहीं चाहता कि उसका कोई भी बच्चा गलत काम करे, बल्कि ईश्वर की तो पूरी कोशिश रहती है कि बुरे काम के साथ साथ मनुष्य के सामने अच्छे काम का विकल्प जरूर रहे। गलत रास्ते के साथ सही रास्ते का विकल्प भी उसे दिखाई दे। और फिर यहां आती है मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा, जो उसने हर इंसान को दे रखी है। स्वतंत्र इच्छा? हाँ, स्वतंत्र इच्छा, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अपने फैसले लेने का अधिकार, और ईश्वर उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता। इंसान जो चाहे विकल्प चुन सकता है, लेकिन विकल्प चुनने के अधिकार के साथ साथ मनुष्य को उसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होता है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा मनुष्य के कर्म में नहीं, उसके कर्म के फल में दिखाई देती है। समझे? हाँ साई, कि हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। अच्छा साई, आप ये तोरण क्यों बांध रहे हैं? क्या आज कोई खास दिन है या फिर कोई खास मेहमान आने वाले हैं? कुछ ऐसा ही समझ लो। बाबा की रक्षा करना, उन्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उनके बिना मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा।
आदित्य, आदित्य उठो, आदित्य, आदित्य। ये लोग श्यामलाल जी को पूरी तरह मार रहे हैं। अगर ऐसे ही मारते रहे तो वो जीवित नहीं बचेंगे। चले गए, इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, ना दादा मिल रहे हैं ना वो। होता है आदित्य को सांप ने डस लिया। चलो चल के देखते हैं।
साई, साई। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। साईं, जहां मैं हूं मनुष्य उसके भय में क्यों जीता है? यहां तो केवल सुकून है, शांति है। साईं, आप ही हैं जो उस दुनिया में भी थे और इस दुनिया में भी है। आपने मुझे सब कुछ दिया, पहले मुझ में आत्मविश्वास की जोत जलाई, उसके बाद मुझे वो खुशी, वो उपहार दिया जो मैं बरसों से पाना चाहता था। जीव का प्यार, आप ही की शिक्षा के कारण उसने मुझे अपनाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाना। धन्यवाद साईं, मैंने आपके कारण ही अपने जीवन की इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया। मृत्यु जीवन की एकमात्र निश्चितता है, परंतु दूसरों के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर तुम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए हो। और लोगों के दिलों में तुम हमेशा जीवित रहोगे, जिनके दिलों को तुमने छुआ, जिनके सम्मान के लिए तुम खड़े हुए। साईं, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मुझे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त कर मोक्ष दीजिए। साईं, thank you.
लगा दो साई दृष्टि से मिट जा।